होने वाला है कि इस तरह से आप इमेज किस तरह से क्रिएट करोगे। तो सबसे पहले आपको चले जाना होगा गूगल एप्लीकेशन में। ओके, तो गूगल एप्लीकेशन ऑन करेंगे, उसमें आपको सिंपल से टाइप करना है विंक इमेज क्रिएटर। तो मैं सिंपल से टाइप कर लेता हूँ विंक इमेज क्रिएटर। तो गाइस आपका देखिए पहला ऑप्शन आएगा, तो इसमें आपको क्लिक कर लेना है पहला वेबसाइट पे। तो इसमें एक आपका जो टाइप करना होगा, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें लिख टाइप कर सकते हो। तो मैं सिंपल सा पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हो देखिए क्रिएट ऑप्शन, तो आपको क्रिएट कर लेना होगा। तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ गाइस, तो वेट करेंगे। तो गाइस इस तरह से काफ़ी अच्छे आपको इमेज देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें सब कोई भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। ओके, कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं कोई सा भी एक इमेज ले लेता हूँ, तो मैं सपोर्ट ये मैं ये ले लेता हूँ ये इमेज। तो देख सकते हो गाइस इस तरह से आ चुका है। तो आपको नीचे देखेंगे आपको थ्री डॉट का ऑप्शन आ रहा, तो इसमें आपको क्लिक कर लेना है और ऊपर में लिखा ऊपर डाउनलोड, तो डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। सिंपली मेरा डाउनलोड हो चुका है, आपको बैक आ जाना होगा। बैक आ जाने के बाद आपको सिंपल से ओपन करना है वीएन एडिटर। तो मैं सिंपल से ऑन कर लेता हूँ। गाइस आपके पास अगर नहीं होगा तो आप सिंपल से आप प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जो अपने भी फ़ोटो डाउनलोड किए थे उसको आपको ले लेना है। तो गाइस इस तरह से मेरा फ़ोटो आ जाएगा। ऊपर में आपको देख सकते हैं ओरिजिनल का ऑप्शन आ रहा है, उसमें आपको क्लिक कर लेना है, आपको 9:16 कर लेना है। ओके, और जो लास्ट में ऑप्शन आएगा ब्लैक का, तो उसको आपको डिलीट मार देना है। देखिए फ़ोटो का ड्यूरेशन आप 10% रख लेना है, 10 मिनट तक रख लेंगे। तो मैं 10 मिनट तक रख चुका हूँ। ओके, इस तरह से रखने के बाद आपको सिंपल सा इस फोटो पे आपको क्लिक कर लेना होगा। फोटो को क्लिक करके थोड़ा छोटा कर लेना होगा। ओके, छोटा करने के बाद आपको सिंपल सा इसमें लास्ट ऑप्शन आएगा बीजी ऑप्शन, तो इसमें आपको क्लिक कर लेना है, इमेज पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन आ जाएगा, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, आपका ब्लर इफेक्ट आएगा, तो इसको थोड़ा कम कर लेना है। ओके, डन पे क्लिक कर लेना है और सिंपल से इसको आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके, तो मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट कर लेना। तो गाइस ये मेरा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो गाइस देखिए इस तरह से एक्सपोर्ट होने के बाद आपको डन पे ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और फिर आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको सिंपल से आपको कोई भी सभी वीपीएन आपको कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, वीपीएन कनेक्ट करने के बाद आपको बैक आ जाने के बाद आपको सिंपल सा चले जाना है गूगल पे। गूगल पे आपको चले जाने के बाद थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट लिख लेना होगा, तो मैं फटाफट से लिख लेता हूँ। पहला वेबसाइट आएगा, देख सकते हैं इस तरह से, तो आपको पहला वेबसाइट पर क्लिक कर लेना होगा। सबसे पहला ऑप्शन है उस पर आपको देखिए यूज़र टेम्पलेट, तो इसको आपको क्लिक कर लेना होगा। इस तरह से आ जाएगा। ओके, इसको आपको लिखा हुआ है यूज़र टेम्पलेट, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आप जो वीडियो एक्सपोर्ट किए थे उसको आपको ले लेना है। तो मैं इनको ले लेता हूँ, प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। तो गाइस इस तरह से आपका अप्लाई होगा, तो थोड़ा वेट कर लेना है।
तो गाइस इस तरह से आपका एक्सपोर्टिंग हो जाएगा। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर हो चुका है। तो आपको यहाँ पर देखिए टर्न के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा, फिर आपको बैक आना होगा। तो आपको देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको कैप कट आ चुका है। तो आप प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, जो अभी एक्सपोर्ट किया था उसको आपको क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से आ जाएगा, नीचे क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो देख सकते हो गाइस ये हम लोग का वीडियो बन चुका है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ओके, और गाइस इसमें आप म्यूजिक यूज़ कर सकते हो, ऑटोमेटिक आप कोई भी म्यूजिक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।